Okay. So, Vachek, good morning to all of you. Social responsibilities of business. Yesterday, we started with social responsibility of business towards different interest groups. So, what are the interest groups of a business? Anyone? The various stakeholders in the business, which are owners. Or investors or shareholders. Second interest group workers, then consumers, then government and community. These are the various stakeholders in the business. That is, these are those categories which are affected by the business decisions. so what is the social responsibility of a firm towards these interest groups? so towards owners, kahemeneke discussed to provide fair return to their investment, to ensure safety of their investment, to provide accurate information about the प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर वर्किंग ऑफ दी कंपनी के फ्यूचर में कोई ग्रोथ के एक्सपेंशन के प्लान हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है ठीक है देन टूवर्ड्स वर्कर्स फेयर वेजेस एंड ओके गुड वर्किंग कंडीशंस टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ देयर पर्सोनल ऐसा नहीं है कि जैसा टैलेंट वो लेके आए थे जितने आईक्यू लेवल के साथ वो एंटर करे उसी आईक्यू लेवल के साथ वो रिटायर हो जाए उनकी ग्रोथ इंश्योर करना उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना जो कि उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो और उनका पोटेंशियल बाहर आए ठीक है देन गुड उनको फेयर वेजेस देना उनकी उनको उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना That is, they have every right to form trade unions. So they should not be disallowed to form unions. It is their democratic right. Okay. Then, next is towards consumers. All of you are consumers. What do you expect from a business firm? You want to get quality products at reasonable prices. Okay.

Proper उसको एक्शन लेना चाहिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए पुअर क्वालिटी नहीं देनी चाहिए देन लैक ऑफ डिजायर सर्विस एंड कर्टसी कंज्यूमर्स ठीक है लैक ऑफ कर्टसी जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाए और वेटर आपसे रूट बोले सो विच मीन्स द बिजनेस फॉर्म इज नॉट इन्श्योरिंग इोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज बीन द वेटर और द जमेंट बेसिकली इट इज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू दस्टमर तो आप उसके लिए एक बिजनेस फॉर्म उसके लिए पैसा देती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मिसलीडिंग uh, एडवर्टीजमेंट आपको दे मिसलीडिंग मतलब देखो एक बिजनेस फॉर्म जब पैसा खर्चती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर तो उसको लगता है हमारी सेल्स प्रमोट हो वॉट इज एडवर्टीजमेंट इट इज अ सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी ठीक है तो आप इतने करोड़ों रुपए खर्चते हो तो आपको लगता है हाँ लोगो लोग आपके प्रोडक्ट खरीदे एटलीस्ट आपके उस एक्सपेंडिचर का आपको कुछ रिटर्न तो आए तो उसके लिए आप अगर अपनी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसी चीज डाल देते हो जो कि है नहीं आपके प्रोडक्ट में दैट इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट उससे अट्रैक्ट हो गए कस्टमर आपकी चीज खरीद लेगा बट लेटर ऑन हिल रिग्रेट क्योंकि जो आप क्लेम कर रहे थे वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आर यू बींगी कंज्यूमर आर यू फुलफिलिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नो सो वन ऑफ दोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस फॉर्म टूवर्ड्स कंज्यूमर इज टू अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ठीक है एंड सो दीज आर दिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस फॉर टूवर्ड्स इट्स कंज्यूमर्स नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी इकट्ठा दे दिया इन्होंने ठीक है इकट्ठा भी अलग अलग भी आए तो भी आप मैनेज कर सकते हो सो फर्स्टली दाइज मस्ट रिस्पेक्ट दॉज ऑफ दी लैंड जिस कंट्री में वो परेड कर रहा है उस कंट्री के जो लॉज है कानून है उनको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा दैट इज फुलफिलिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मस्ट बिहेव एज ए गुड सिटीजन हम हमारे एज अ गुड सिटीजन कुछ ड्यूटीज हैं वही एक फॉर्म की भी ड्यूटीज हैं ठीक है देन एंड इट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं देखो हम इंडिया में रहते हैं तो हम हमारी अपनी कुछ वैल्यूज है यूएस में रहते हैं तो उनकी वैल्यूज हमसे डिफरेंट है तो इंडिया में रहकर हम यूएस जैसा कल्चर एडॉप्ट नहीं कर सकते ठीक है सो वी हैव टू बिहेव एज पर वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ दी सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी अलाउ करती है हमें वैसा ही करना चाहिए अगर हम कहें कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं सोसाइटी जाए बाहर में हम तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट करेंगे ठीक है एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसी चीज दिखाएंगे जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है या प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज डालेंगे जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है तो इन दैट केस वी आर नॉट बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल ठीक है देन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस फॉर्म इट मस्ट प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट ठीक है एंड शुड अवॉइड बैड एफ्लुएंट एंड स्मोकी चिमनीज तो आपके घर के पास अगर फैक्ट्री है तो दिन रात उसमें से धुआं निकलता है वु यू लाइक इट दैट फॉर्म इज नॉट फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इन मस्ट डिवेलपर इज इन सोसाइटी थ्रू अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद वेरियस ग्रुप ऑफ दीपल एक प्रॉपर इमेज सोसाइटी में जानी चाहिए आपकी बिजनेस फॉर्म की Uh, कैसे जाएगी अगर आप लोगों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लोगों के साथ इंटरैक्ट करते रहोगे ठीक है अब आज आपके हर एक को पता है रतन टाटा यू नो दैट बिकॉज थ्रू वेरियस मीडियम ही इंटरक्टिंग विद यू पीपल यू नो हाउ ग्रेट अ पर्सनैलिटी ही इज यू नो हाउ मच ही डन फॉर दिस कंट्री यस सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट हिम अगर आप अपने आप को पीछे रखोगे इंटरक्ट नहीं करो इंटरेक्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि आप आके लोगों से आके मिलो इन एनी वे स्कूल दो या आप अवॉर्ड दे रहे हो या थ्रू so, आजकल तो सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है उसमें आप अपनी पोस्ट डाल देते हो मैसेज दे देते हो लोगों को दैट इज इंटरेक्शन ठीक है सो अपनी एक इमेज अच्छी बनानी है आपने लोगों के आगे और, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहना सो दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फॉर्म टूवर्ड्स इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है सो बेटे अभी तक हमने क्या किया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर में मीनिंग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यहां तक एक क्वेश्चन बन गया श्योर शोर ठीक है उसके बाद

managers and decision makers there was a time when businessman was least concerned about the environment though he is the main contributor towards environmental crisis which we are facing today do you know almost all the countries in india at least we are facing environmental crisis environmental crisis कब आते हैं किसी भी कंट्री में एक जब आपको पता है हमारे रिसोर्सेज हम यूज करते हैं और रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं कौन कौन से ऑल राइट नेचुरल रिसोर्सेज अगेन आर ऑफ टू टाइप्स सम विच कैन बी सम समिच गेट एग्जॉस्टेड

हमें इनको कॉशियसली यूज करना चाहिए मतलब अगर ये नेचर इनको वापिस डालती है तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फ्यूल है जैसे कोल्ड पेट्रोलियम इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू मेक फॉसिल ऑयल्स एंड वी आर यूजिंग दम लाइक दिस इजेंट इट सो वेन एवर द रेट एट विच रिसोर्सेज आर बींग यूज exceed the rate at which it is being put back into the nature getting my point hum kya kar rahe hain hum ek din mein 100 million ton natural resource koi bhi natural resource use kar rahe hain aur wo wapas आने में 100 साल लेता है इतना million ton so the rate at which we are using it

Plants, human beings, animals all have all have life these are biotic elements these are an important component of environment apart from that abiotic elements which do not have life, but these are very important air, water, soil these are very important to sustain life so ंग वि मैन मेड कंपोनेट है वो भी हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है इनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट सस्टेन्स लाइफ ऑक्सीजन एनवायरमेंट में है पानी सॉयल इन्वायरमेंट दे रहा है इसका मतलब इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन करता है ठीक है यहां तक आपने पढ़ा होता है सेवेंथ एथ में यही इन्वायरमेंट का एक फंक्शन है आप कहते हो बट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब्स वेस्ट वेस्ट क्या होता है ऑल दी प्रोडक्शन एंड कंजम्पन एक्टिविटीज जनरेट वेस्ट इफ यू कंज्यूम इफ यू ईट एनीथिंग कंजम्पशन और ईटिंग इज डिफरेंट मतलब हमें लगता है कंजम्शन मतलब खाना कंजम्पन मीन्स टू मेक यूज ऑफ इट मे बी ईटिंग फूड इट मे बी वेयरिंग यूनिफॉर्म इट मे बी लिसनिंग टू मी ऑल दीज आर कंजम्शन एक्टिविटीज ठीक है सो से वेन यू टेक योर फूड और येन योर मदर कुक्स फूड वेस्ट जनरेट होता है आप सबके घर में गार्बेज बिन है भरता है डेली उसको फेंका जाता है यस yes? स्वीपर आता है ले जाता है गार्बेज किसी बिजनेस फॉर्म में चले जाओ वेस्ट जनरेट होता है प्रोडक्शन के करके सम प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स गेट रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज एज वेल एज ड्यू टू कंजम्पन एक्टिविटीज वेयर दिस वेस्ट गो आपने तो अपनी तरफ से पकड़ा दिया स्वीपर ले गया स्वीपर कहां लेके जाता है आगे नगर निगम के वो पड़े होते हैं बड़े बड़े ट्रॉलीज उसमें फेंक देते हैं आगे से कहा जाता है बेटे इसको इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करता है सी हमारी कंट्री इतनी एडवांस्ड नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है ये सारा वेस्ट जो है इसकी मैनेजमेंट होती है आपने सुना होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जलंधर में भी चला था देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अबाउट दिस So, वहां पर तो इसको रिसाइकिल कर लेते हैं वो भी अभी कॉन्सेप्ट चला है यहां पर ये वेस्ट यहाँ तो पानी में फेंक दिया जाता है यहाँ ग्राउंड में दबा दिया जाता है जला दिया जाता है है ना या नहीं इसको कौन एब्सॉर्ब कर रहा है इनवायरमेंट अब यहां पे आप डस्टबिन पड़ा है आपका वेस्ट यहां पे डालते हो सपोजिंग इफ यू एम्प्टी इट फॉर अ डे

उसको एक्सीड कर रहे हो सेम इज हैपनिंग इन आवर कंट्री द वेस्ट विच इज बींग जनरेटेड इज एक्सीडिंग दब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट आई टोल्ड यू एनवायरमेंट का एक फंक्शन है कि ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है यस yes? लेकिन क्या हो रहा है इस टाइम पे उसकी एब्जॉर्पटिव कैपेसिटी एक्सीड हो रही है एब्जॉर्ब वेस्ट को एब्सॉर्ब करने की भी तो उसकी कैपेसिटी है ये थोड़ी ना आप जितना मर्जी डाली जाओगे इसमें और ये जादू की तरह उसमें डलता जाएगा नहीं तो जब आप उसकी कैपेसिटी को एक्सीड कर रहे हो प्लस जब रिसोर्सेस जो आप यूज कर रहे हो दैट इज बीइंग यूज्ड एट हायर रेट देन द रेट एट विच इट इज बीइंग पुट बैक इनटू द नेचर

इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है ठीक है इट सो इज़ पोल्यूशन बेसिकली पोल्यूशन क्या है पोल्यूशन इज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन टू दी एनवायरमेंट ठीक है सो पोल्यूशन से क्या होता है बेटे एयर वाटर लैंड इनके फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाता है पोल्यूशन चेंजेस फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर वाटर लैंड सो जैसे एयर में हम कह रहे हैं अब कार्बन मोनोक्साइड की क्वान्टिटी ज्यादा हो गई है सो देर इज अ चेंजिक इन द केमिकल कंपोजिशन और नॉट सो ऑल अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन सो पोल्यूशन नॉट ओनली हार्म ह्यूमन लाइफ इट ऑल्सो हार्म लाइफ ऑफ अदर स्पीशीज एक्वेटिक लाइफ है जब हम ओशन में वेस्ट फेंकते हैं तो उससे क्या होता है हमारी लाइफ लाइफ मींस फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स वो सफर होती है ठीक सो लैंड पोल्यूशन होता है तो हमारी शीप काओ ग्रेजिंग करती हैं दे आर दे आर एडवर्सली अफेक्टेड सो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि लाइफ ऑफ अदर स्पीशीज आल्सो गेट अफेक्टेड थ्रू पोल्यूशन ये हमारी लिविंग कंडीशंस को भी डिटीरियोरेट करती है ठीक है सो so, हमारे कल्चरल हेरिटेज हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग ताजमहल येलोइश हो गया ऑल बिकॉज ऑफ एसिड रेन ठीक सो ये सारी चीजें चीजेंडस वेस्ट जो जनरेट होता है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं Uh, तो उनको इन्वायरमेंट एसिमिलेट नहीं कर पाता है सो so, हमारे इन्वायरमेंट को रिस्क आ रहे हैं हमारी इन्वायरमेंटल क्वालिटी को ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है और हमारे जो मैनमेड रिसोर्सेस हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं ठीक है सो so, अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ठीक है सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्लासिफाईर लैंड पॉल्यूशन सो एयर पोल्यूशन इट्स रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच डिटीरियोरेट्स अवर एयर क्वालिटी इंडस्ट्रीज वेहीकुलर एमिशन जितने ज्यादा वेहीकल्स अब इंडिया में हो गए हैं ठीक दे रिलीज स्मोक इन द एयर विच कंटेन पॉइजनस सो इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है एनी स्पेशल प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग एनी नो एनवायरमेंट से रिलेटेड हाँ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफकोर्स आर्मी हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है ठीक है देन वॉटर पोल्यूशन जो हम केमिकल्स हैं वॉटर में डम्प करते हैं सो ओवर दैट लीड्स टू वॉटर पॉल्यूशन क्योंकि जो एंटरप्राइजेस है जब कोई लॉ नहीं होता था तब एंटरप्राइजेस अपना सारा का सारा वेस्ट स्ट्रीम्स में रिवर्स में जाकर डंप कर देते थे लेक्स में सो विदाउट कंसिडरिंग के इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं सो so, इसके करके काफी एनिमल्स दे लॉस्ट देयर लाइव एंड सेकेंडली इट कॉज अ ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल अभी आपको पता ही होगा पंजाब में एक एरिया है जहां पर कैंसर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और बिकॉज ऑफ वॉटर पोल्यूशन देन लैंड पोल्यूशन जब हम टॉक्सिक वेस्ट जो हम जला नहीं सकते हैं पानी में फेंक नहीं सकते उसको हम क्या करते हैं लैंड के नीचे दबा देते हैं जिस लैंड पोल्यूशन उससे हमारा जो लैंड है दैट बिकम्स अनफिट फॉर दीकल्चर सो दैट लैंड पोल्यूशन ऑल्सो रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देन नॉइज पोल्यूशन फैक्ट्रीज वेहीकल्स है ना और हमारे इवन घर में जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस ए सी है वॉशिंग मशीन है देन uh, हमारे ईयर बिकम सो ए कस्टम टू दॉइस ना कि अगर हम सारी चीजें बंद कर दें तो हमारे कान ऐसे सुन सा में साइलेंस अच्छा नहीं लगता है मतलब इतना परफेक्चुअली एक ये नॉइस हमारे आस चल रहा है सो so, कुछ डेसिबल्स तक तो हमारे जो ईयर्स हैं वो टॉलरेट करते हैं लेकिन अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है दैट में कॉज हार्म टू अवर ईयर्स और इससे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं सो देर इज नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन और नॉट ठीक है सो वाई पोल्यूशन कंट्रोल शुड टेक प्लेस देर आर डिफरेंट रीजन गिवन टू यू नंबर वन रिडक्शन ऑफ हेल्थ वी नो दैट मेनी ऑफ दी प्रॉब्लम दे ड्यू टू पोल्यूशन जैसे मैंने बताया पंजाब में उस एरिया में कैंसर डेथ जो हो रही है दैट इज दीजन इज वॉटर पॉल्यूशन ठीक है सो वेन यू है स्ट्रॉन्ग एविडेंसिंग ड्यू टू पॉल्यूशन शुड यू नॉट टेक एनी स्टेप सो वी शुड नीड टू रिड्यूस वी नीड टू रिड्यूस हेल्थ ड्यू फॉर विच वी शुड कंट्रोल पल्यूशन क्लियर वी आर डिस्कसिंग वॉट इज द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल ऐसे क्यों नहीं चलते चलने देते हम जैसा सब कुछ हो रहा है क्यों क्योंकि हम हेल्थ हैजर्ड्स को कम करना चाहते हैं देन रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ अगर एक एंटरप्राइज कुछ नहीं करती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या कुछ और करके तो उसके जो इंप्लाइज हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उसको उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी तो यहाँ तो पहले कुछ कर ले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बाद के लिए तैयारी रखे उसको कंपनसेशन देने के लिए सो इजेंट इट बेटर इट शुड रिड्यूस इट्स रिस्क ऑफ लाइबिलिटी ठीक है सो अगर जैसे कि इफ यू पीपल आर अवेयर भोपाल गैस ट्रेटिडी पता है आप लोगों को है ना तो वहां पे इतना एक जो ये हुआ था लोगों की हेल्थ सफर हुई थी तो एंटरप्राइज अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो उस एंटरप्राइज को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता है और वही लोगों को कंपेन्सेशन देती है जितने लोगों को देवर एडवर्सली अफेक्टेड इवन दो मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट इनफ लेकिन फिर भी जिनकी यू uh, नो you know, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई आने वाले उनके बच्चे भी अफेक्ट हो गए तो हाउ वुड दे अर्न मनी फर्म को कंपनसेशन देनी पड़ती है तो अगर फर्म ऐसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करना चाहती है तो वो पहले ही इन प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए उसको पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए ठीक है चलो टाइम इज ऑलमोस्ट आप दो तीन पॉइंट्स हैं ये आप खुद भी कर सकते हो बेटे ठीक